हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। इस बार जो मैट्रिक और इंटर का परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दिए हैं और बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि सर कितना नंबर पर पास होता है, क्या अलग से प्रैक्टिकल में नंबर लाना पड़ता है, क्या अलग से MCQ ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना पड़ता है, क्या अलग से सब्जेक्टिव में पासिंग नंबर लाना पड़ता है। तो मैं क्लास 10th और 12th दोनों का पूरा डिटेल्स में नया पासिंग पैटर्न बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग के हाई डिमांड पर ये वीडियो आया। पूरा डिटेल्स में आपको समझाएँगे कि आपको कितना नंबर पर 12th में पास होना है और कितना नंबर पर 10th में पास होना है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंटर का 12th का बात कर लेते हैं। अगर आपका मान लीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं चलिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें आपका थ्योरी अगर 70 नंबर का हुआ है तो आपका प्रैक्टिकल उसमें 30 नंबर का हुआ होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर हो गया। तो देखिए इसमें आपका टोटल 100 नंबर हो गया। तो पास क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपका 30% ऑफ 70, मतलब 70% जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी हुआ है, जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है मैं उसका बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो 70 का आपका 30% लिया जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर 21 मार्क्स। और आपका प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का, उसमें आपका 40% पास मार्क्स रहता है, तो 40% हम लोग लेंगे 30 नंबर का। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 21 नंबर और यहाँ पे 12 नंबर, टोटल आपका हो गया 33 नंबर। मतलब आपका जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाने होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंग्लिश मैथ ETC वगैरह में आपका, आपको पता होगा मैथ में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, या जो आर्ट्स से बच्चे दिए हैं, कॉमर्स संकाय से बच्चे दिए हुए हैं 12th में, तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नहीं है तो आपका 30% पासिंग क्राइटेरिया रहता है। मतलब 30% आपका आना चाहिए। तो आपका 30% 100 का कितना हो गया 30 नंबर। तो आप लोग का जिसमें प्रैक्टिकल रहता है उसमें 33 नंबर आना चाहिए और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता है उसमें आपका 30 नंबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सवाल और ये कंफ्यूजन होता होगा आपके माइंड में कि क्या अलग से मेरा ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है, क्या अलग से सब्जेक्टिव में लाना है। तो नहीं, आपका मिलाकर यहाँ पे 33 नंबर लाना ज़रूरी है। यहाँ थ्योरी में आपको पास के लिए 21 नंबर होना ज़रूरी है, पूरा मिलाकर 33 नंबर। अगर आपका 12वीं में प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ 21 और आपका सब्जेक्टिव एक भी सही नहीं हुआ है, फिर भी आपका 21 नंबर थ्योरी में हो रहा है तो आप पास हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल ही सवाल कर रहे थे कि सर मेरा 18 ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और थ्योरी में मेरा 10 नंबर आ जाएगा तो क्या हम फेल हो जाएंगे। तो नहीं, मिलाकर आपका 21 नंबर आना चाहिए, चाहे वो क्यों ना केवल ऑब्जेक्टिव से ही आ जाए या केवल सब्जेक्टिव से आ जाए, मिलाकर आपका थ्योरी में प्रैक्टिकल है तो 21 नंबर रहना चाहिए और पूरा टोटल आपका 33 नंबर रहना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर मैट्रिक परीक्षार्थियों का बात कर लेते हैं कि उन लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक परीक्षार्थियों का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, उनका कितना पासिंग मार्क्स रहना है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग के लिए 30% पासिंग मार्क्स है। तो 30% 100 का कितना हो गया 30 मार्क्स। तो आप अगर मैथ का एग्ज़ाम दिए हैं, साइंस का एग्ज़ाम दिए हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम दिए हैं, कोई जो आपका 5 सब्जेक्ट था उसमें आपका 30 नंबर आ जाएगा तो आप पास हो जाइएगा। क्यों ना हो केवल ऑब्जेक्टिव में ही आ जाए तो आप पास हैं। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव दिए हैं 100 नंबर का, मान लीजिए आप मैथ का परीक्षा दिए और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव हुआ 50 नंबर का और 50 में आपका 30 आ रहा है, सब्जेक्टिव में आप कुछ नहीं भी लिखे हैं तो पास हैं, पूरा मिलाकर पास देखा जाता है। तो पूरा मिलाकर मैट्रिक में आपका 30 नंबर रहना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल है इंटर में तो आपका पूरा मिलाकर 33 नंबर, प्रैक्टिकल नहीं है तो पूरा मिलाकर आपका 30 नंबर रहना चाहिए। और यहाँ पे अलग से ऑब्जेक्टिव और अलग से सब्जेक्टिव में नंबर नहीं लाना रहता है। तो आशा करते हैं आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। छात्रवृत्ति का वीडियो कल मॉर्निंग में आएगा और एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षार्थियों के लिए, कॉपी चेक हो रहा है वहाँ से, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है तो उसका भी अपडेट कल मॉर्निंग में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।